राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी आप सबको संबोधित करके बता भी चुके हैं कि हमारा मिशन केवल यहाँ आकर के और माननीय साहब को पुष्पांजलि अर्पित करके और अपने घर चले जाना नहीं है। हमें एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है कि हमारा बहुजन अब तक बहुत सोया हुआ था और उस सोए हुए बहुजन को जगाने के लिए जिस महान पुरुष ने अपने संघर्षों और अपने त्याग के बल पर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके इस जन्म दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लेंगे कि हम बहुजन पुनः एकत्रित हों, एकता का परिचय दें और एकता में जो मुख्य बाधा है वो हमारा अशिक्षित होना है। एकता में जो मुख्य बाधा है वो हमारा अशिक्षित होना है या उनकी चालों को नहीं समझ पाना। इसके लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने का एक कोई पैमाना नहीं होता। जिस तरीके से हम MBA की डिग्री लेते हैं तो उन डिग्रियों को लेने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि वो जागृति हो जाए या शिक्षित हो जाए। शिक्षित हम तब माने जाएंगे जब हम उन बातों को समझने लग जाएं जिससे हमारे समाज का अब तक जो भला नहीं हो पा रहा है, हमारा समाज आगे नहीं जा पा रहा है, वो समाज आगे कैसे जा पाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें पुनः, वैसे यहाँ पे अधिकांश बुद्धिजीवी बैठे हैं, मुझे इन बातों को दोहराने से वैसे ज़्यादा वो नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर दूँ कि हमें शिक्षित बनना है। शिक्षित एक अंगूठा टेक भी हो सकता है और एक कलेक्टर अशिक्षित भी हो सकता है। उसको समझना हमें पड़ेगा और उसको समझने के लिए हमें अपने लाभ और हानि को देखना, अपने मित्र और शत्रु की पहचान होना और हमारे बहुजन समाज में जन्म लिए, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किए, ऐसे महापुरुषों का इतिहास की जानकारी होना, ये एक जागृत होने वाले मनुष्य की निशानी है, पुरुष की निशानी है। हमें ऐसा जागृत बनना है। हमारे जागृत नहीं होने के कारण हम अधिक संख्या में होने के बावजूद भी मार खाते रहते हैं। अभी मुझसे पूर्व जो आदरणीय वक्ता आए थे उन्होंने भी आपको वही बात बताने का प्रयास किया था। हमारे साथ उनकी एक तरीके से कूटनीतिक चालें चली जाती हैं। हमारे धंधों को विकसित नहीं होने दिया जाता। हमें अपने स्वाभिमान से जीने का तक का जो हमारा मुख्य चीज होती है रोजगार, उस रोजगार तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उसका मूल कारण होता है कि हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति तो कर लेते हैं लेकिन हम हमारे उद्देश्यों के अनुसार उनसे जीत नहीं पाते, उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। और उनसे आगे नहीं बढ़ पाने में सबसे पहली जो कमी होती है वो हमारे अपनों की होती है। हम अपने लोगों को आगे समर्थन देने की बजाय उनकी ही उल्टी टांग खींचते हैं और इसका ही दुष्परिणाम है कि 1950 से बाबा साहब का संविधान लागू है लेकिन उस संविधान को भी हम लागू नहीं करवा पाए अच्छी तरीके से। किसी कानून के लाभ को लेने के लिए भी हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं आती हैं कि जिससे हमारे जो दबे कुचले वर्ग हैं, शोषित वंचित वर्ग हैं, वो ऊपर उठ के जाएं। लेकिन हमारे बहुजनों को, बहुसंख्यक लोगों को उन योजनाओं का फायदा कैसे लिया जाए ये जानकारी नहीं होती है और उनके लोग उसमें क्या करते हैं, वो उसमें एक दलाली का काम करते हैं। आपको 10,000 की सहायता मिलेगी तो उसमें से 5,000 को बीच में बोले जाएगा। उसका मूल कारण है हमारा जागृत नहीं होना, हमारा शिक्षित नहीं होना और हमारे धंधों को विकसित नहीं होने का भी कारण यही है कि हम जागृत नहीं है। तो हम या हमारे संगठन के द्वारा माध्यम से आज ये जो बहुजन एकता सम्मेलन आयोजित किया गया है इसका मूल उद्देश्य है, देखिए किसी भी जमाने में जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसी समय से राज उसी का रहा है जिसकी विचारधारा हावी होती है। राज किसका होता है, जिसकी विचारधारा हावी होती है। आपने देखा होगा वर्तमान में जो शासन कर रहे हैं उन्होंने प्रयास करीबन 1971 से किए, 185 या 90 के आसपास फिल्में बनाई ऐसी,
जो अद्वितीय शक्ति लगती हैं, काल्पनिक शक्तियां हैं, उनको वास्तविक बना दिया और ऐसे बना दिया कि इस धरती का नियंता, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई और है और वो ही उस शक्ति से, इस पावर को उसकी उससे चला रहा है। हम प्रयासहीन हो जाते हैं, हम प्रयास नहीं करते कि अरे ये तो हमारे भाग्य में था या ये तो हमारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये विपदा थी हमारे लिए, और हम उसके बचाव का प्रयास नहीं करते। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम उस रोजगार से दूर हो जाते हैं, उस कार्य को करने से वंचित हो जाते हैं। तो इनकी इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा हमें।